अस्सलाम वालेकुम। आज मैं द रेसिपी किचन में मैं आज आपके लिए चिली पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट, लजीज और टेस्टी और स्पाइसी होती है। इसको बनाना बहुत ही आसान और बहुत अच्छी तरह से जायके की होती है, जो खाने में बहुत ही लाजवाब होती है। इसके लिए जो मुझे कुछ सामान चाहिए वो ये है। 200 ग्राम मैंने पनीर लेके क्यूब में काट लिया, आप जैसे काटें। ये 1 टेबल स्पून है काली मिर्च पाउडर, 1 तीखी मिर्च है मैंने 2 लेके काट लिए हैं, अगर आप इसको छोटा काटें तो। और ये हरे धनिए की डंडी है, ये ऑप्शन है, अगर आप डालें तो ठीक है, नहीं तो ऐसे। ये 1 शिमला मिर्च है, ये 1 बड़ा प्याज है मैंने क्यूब्स में काट लिया है, ये लहसुन है हमने 1 टेबल स्पून, थोड़ा सा अदरक है, अदरक मैंने ज़्यादा नहीं लिया है, और ये फीकी मिर्च है, ये मैंने क्यूब्स में कटिंग में काट ली है, और ये 1 टेबल स्पून रेड वो कुटी मिर्च है लाल, और ये नमक है, नमक मिर्च आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं। ये मैंने पनीर चिंग्स का पनीर चिली मसाला मिक्स ले रखा है, इसको मैंने 2 टेबल स्पून पानी में घोल के पहले रख दिया है, इससे लम्स नहीं पड़ेंगे, अच्छे तरह से घोल दिया है। और ये चिली सॉस है, इसको हम 1 टेबल स्पून डालेंगे। मैंने ऑयल बर्तन चढ़ा दिया था, ऑयल मेरा गर्म हो गया है, ये मैं इसमें भी लहसुन डालूंगी, इसको सोते करेंगे, ठीक है। हल्की अदरक डालेंगे, अभी थोड़ा प्याज डालेंगे, थोड़ी अभी इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, इसके बाद अब इसको हम थोड़ा थोड़ा सोते करेंगे। ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं करना है मुझे इसको, अभी इसमें थोड़ी सी धनिया की डालना है, ये मिर्च डालना है तीखी वाली, ये मैंने 2 रखी हैं और लंबी कटिंग में डाल रखी हैं, आप अगर जैसे डालें तो छोटे अपन छोटे काटना चाहें तो छोटे काट लें। ये मैंने ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, थोड़े मसालों की क्वान्टिटी ज़्यादा अपने हिसाब से डाल लेना, जितना आप पनीर में, मुझे जितना बनाना है मैंने ले रखा है। ये चिंग्स पनीर चिली मसाले में सब चीज़ ऐड होती है, लाइक ये बहुत अच्छा टेस्टी होता है। अब उसके बाद मुझे ये मसाला इसमें मिक्स कर देना है, देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। उसके बाद मुझे ये 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्च भी डाली है और ये मसाले में भी मिर्च है, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली सॉस डाल दिया, ऐड कर देना है अब। उसके बाद ये मेरे जो कटे शिमला मिर्च और प्याज है ये डाल देना है, उसके बाद ये मिर्च डालना है, ये फीकी मिर्च होती है दोस्तों, जिसके पकौड़े भी बनते हैं। और अब हमें ये अपने धनिए की डंडी जो है ये मैंने धोकर वॉश करके अच्छे से कटिंग कर लिया है, ये बहुत अच्छा जायका होता है इसके अंदर। इसका हमें ये जो हमने पान मसाला डाला है इसको अच्छे से हमें भूनना है, कुछ लोग इसमें थोड़ा चिली वो भी डालते हैं हनी, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैं तो थोड़ी सी दाने चीनी से डाल लेंगे,
इसका टेस्ट और जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए, ये हमारा हल्के हल्के धीरे धीरे हमारा मसाला भुनता जा रहा है। देखिए अगर आप दोस्तों ये पनीर को फ्राई करके डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दूँगी। ऐसे ही डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि मसाला मिक्स हो जाता है पनीर में। अब मैं इस स्टेज पे ये पनीर के क्यूब्स डाल दूँगी, मैंने ट्रेनर में काटा है, दे दी। ये देखिए अब हमें हल्के हल्के, अगर आप इसमें चाहें तो गाजर भी डाल सकते हैं। और अब मुझे चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना है, ये मेरा पनीर के क्यूब्स जो हैं टूट जाएंगे नहीं तो दोस्तों। ये देखिए अब मुझे इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देना है और धीमी आंच पर मुझे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद मैं आपको, अब मेरे देखिए इसको मुझे पानी डालकर धीमी आंच पर 5 मिनट छोड़ देना, फिर उसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। देखिए इस, ये हमारा चिली पनीर बनके तैयार है दोस्तों। ये बहुत ही लजीज, स्पाइसी और टेस्टी और यम्मी है। ये आपको अपने घर में, आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना मेरी इस रेसिपी से। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।